दोस्तों, पुराने नोट और सिक्के बेचने के नए नियमों के तहत अब इन नोट और सिक्कों को बेचना बेहद ही आसान हो चुका है। पहली बात तो जो लोग वीडियो को पूरा देखेंगे वही लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर पाएंगे, और ये जो फ्रॉड लोग होते हैं आपके कमेंट्स का जवाब देते हैं, और जब आप इनसे कॉन्टेक्ट करते हैं तो आपसे पुराने नोट और सिक्के बिकवाने के बदले में रजिस्ट्रेशन शुल्क मांगते हैं। इनसे आपको बचाने के लिए अब न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसा नियम निकाल दिया गया है कि जो लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे सिर्फ वही लोग कमेंट कर पाएंगे, और जैसे ही आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे रियल बायर झट से आपके कमेंट का रिप्लाई देगा, या फिर कमेंट में आपने पूरी जानकारी लिखी है तो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और आपके नोट और सिक्के हैंड टू हैंड बिक जाएंगे। दोस्तों, पहले भी पुराने नोट और सिक्के बेचने के कई सारे अलग अलग नियम बनते रहते थे और उन नियमों के कई सारे लोग जो है फॉलो करते थे और उनके नोट और सिक्के भी बिकते थे, लेकिन जो लोग ज़्यादा वीडियो देखने के आदि हो चुके थे, अलग अलग लोगों के वीडियोस देखते थे, उनमें नोट और सिक्कों की बड़ी बड़ी कीमत सुनकर ही बस खुश हो जाते थे, उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। जो लोग हकीकत में अपने नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं वो बस इस वीडियो में बने रहें और अंत तक वीडियो को जरूर देखें। पहली बात दोस्तों यही है कि वीडियो आप बिल्कुल भी काट साट करके देखेंगे या फिर आधा अधूरा देखेंगे तो आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, जितने भी बायर आज आपके कमेंट का जवाब देंगे वो बायर एकदम रियल बायर होंगे, न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की से जो रजिस्टर्ड बायर है सिर्फ वही बायर होंगे, और एक रुपया भी आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर नहीं लगेगा और ना ही कोई डॉक्यूमेंट आपको देना है। ये जितने भी लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन शुल्क मांगते हैं, फीस मांगते हैं, आरबीआई लेटर बनाने के नाम पर जो पैसे मांगते हैं, ये सभी फ्रॉड लोग हैं। हम आपको वैसे भी बताते रहते हैं कि इन लोगों से सावधान रहना है, और जो फीस मांगते हैं वो लोग बायर होते ही नहीं है, उनका नोट और सिक्कों का बिजनेस नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो आपसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे लेते हैं उन पैसों के लिए ही आते हैं। और अब आगे से ये लोग ना तो आपके कमेंट का जवाब दे पाएंगे और ना ही किसी के साथ फ्रॉड कर पाएंगे, इसलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना और देखना। जो नए नियम है उसके तहत आप अपने नोट और के भी बेच पाएंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको एक नए बायर के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो 100% गारंटी से आपके नोट और सिक्के खरीदेंगे। आप घर बैठे ही इन्हें नोट और सिक्के बेच सकते हैं। दोस्तों, ऐसे पहले क्या होता था कि आपके पास में कम से कम 15 से 20 रेयर करेंसी होनी चाहिए तभी कोई बायर आपके घर पर आएगा, लेकिन अब आपके पास में कोई एक नोट या एक सिक्का भी है तो ये बायर आपके घर पर आएंगे उस नोट या फिर उस सिक्के को लेने के लिए। लेकिन वो नोट कौन कौन से होने चाहिए, कौन कौन से सिक्के हैं जिनमें से कोई सा भी एक नोट आपके पास में होना चाहिए, तो वो जानकारी आपको आगे इस वीडियो में मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश यादव, पुराने नोट और सिक्कों का बायर और न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार की जो पुराने नोट और सिक्के खरीदने और बेचने वाली ऑफिशियल संस्था है उसका मैं एक रजिस्टर्ड बायर हूँ। और अगर आप हमारे इस रियल कॉइन कंपनी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली तमाम वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और साथ ही साथ जब भी कोई रियल बायर आपके कमेंट का जवाब देगा तो आपको उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कई सारे लोग हैं जो अपने नोट और सिक्के बेचने से सिर्फ इसीलिए वंचित रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने बेल आइकन प्रेस नहीं किया होता है। कोई भी रियल बायर उनके कमेंट का जवाब देता है तो उन्हें पता नहीं चलता, जब तक आप वो कमेंट देखते हैं जो रियल बायर ने आपके कमेंट के रिप्लाई में लिखा है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। या तो उन बायर्स का कलेक्शन पूरा हो जाता है या फिर वो बायर कहीं एग्जीबिशन में या फिर अपनी न्यूमिस्मेटिक शॉप में बिजी हो जाते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, कमेंट में आपको पूरी डिटेल लिखनी है नोट और सिक्कों की। कई सारे लोग हैं जो ये लिखते हैं कि वीडियो में दिखाए गए सभी नोट और सिक्के मेरे पास है, या फिर आपको कितने नोट चाहिए, मेरे पास में हजारों नोट है, हजारों सिक्के। दोस्तों, इस तरह से आपको कमेंट नहीं करना है। सिक्का है तो उसे जारी करने का वर्ष और मिंट मार्क, उसके अलावा स्मार्क सिक्का है तो उसके ऊपर किसकी फोटो बनी हुई है, ये चीज आपको लिखनी होती है। नोट है तो गवर्नर का नाम और उसकी सीरियल नंबर आपको लिखनी होती है, तभी ही कोई बायर आपके नोट और सिक्के खरीदने के लिए आपके कमेंट का जवाब देगा या फिर आपके घर पर आएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप अपने फ़ोन नंबर और एड्रेस जरूर डालें, जिससे कि अगर आपके पास में अच्छा खासा कलेक्शन है पुराने नोट और सिक्कों का तो बायर आपके घर पर आ जाएगा। दोस्तों, जो लोग कमेंट में पूरी डिटेल नहीं लिख सकते हैं यानी कि कम पढ़े लिखे हैं या फिर इंग्लिश नहीं जानते या हिंदी नहीं जानते, तो उन लोगों के लिए एक और सुविधा चालू की गई है कि आप करेंसी बायर्स और रियल कॉइन कंपनी फेसबुक पेज है वहां पर जाकर के अपने नोट और सिक्कों की आप फोटो और वीडियो डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रहे, नोट और सिक्कों की फोटो और वीडियो आपको एकदम क्लियर डालनी है, साफ सुथरी दोनों साइड से दिखाना है, नोट हो चाहे सिक्का हो, तभी कोई बायर आपके मैसेज का जवाब देगा। करेंसी बायर्स और रियल कॉइन कंपनी न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल फेसबुक पेज, जिस पर आपको करना क्या है कि वहां पर काफी सारे रियल बायर के वीडियो भी डाले हुए हैं, उसके अलावा आप चाहे तो उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नोट और सिक्कों की फोटो और वीडियो डाल सकते हैं।
अगर वहां नहीं डालना चाहते तो आप डायरेक्ट मैसेज बॉक्स में भी अपने नोट और सिक्कों की फोटो या फिर वीडियो भेज सकते हैं, लेकिन 24 घंटे तक आपको इंतजार करना होगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोई भी रियल बायर जरूर रिप्लाई देगा, और अगर आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपका मैसेज नहीं देखा है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपने जो नोट और सिक्कों की फोटो भेजी है या वीडियो भेजी है, या तो वो क्लियर नहीं है, साफ नहीं दिख रही है, या फिर आपने जो नोट और सिक्के भेजे हैं वीडियो में या फोटो में वो रेयर नहीं है। आपने यूट्यूब पर या फिर कहीं और कोई ऐसा फर्जी वीडियो देखा होगा जो लोग नोट और सिक्कों की कीमत पर ज्यादातर बात करते हैं, या फिर कई सारे आपने लोग देखे होंगे वो नोट या सिक्के के ऊपर छोटी से छोटी डिटेल बताते हैं, कहते हैं कि आप यहां पर नोट के ऊपर देख रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है। तो दोस्तों भारत का नोट होगा तो उसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक ही लिखा होगा, ये कोई रेयर नोट की खासियत नहीं होती है या फिर रेयर सिक्के की खासियत नहीं होती है। रेयर नोट और सिक्के में क्या चीज कॉमन होती है, क्या चीज होती है जो यूनिक होती है, वो सब आपको पता होना चाहिए। जब इतनी नॉर्मल चीजें ये लोग बताते हैं तो आपको भी आसानी से समझ जाना चाहिए कि ये लोग रियल बायर नहीं है। उसके अलावा कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम रियल बायर है, और फिर वो जाकर के कहते हैं कि ये नोट के ऊपर लिखा है, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो दोस्तों ये सभी नोटों पर लिखा होता है, ये एकदम नॉर्मल चीज है, यूनिक चीज होती है, उसके ऊपर गवर्नर के जो सिग्नेचर होते हैं वो, और उसके अलावा जो नोट के ऊपर सीरियल नंबर होती है वो होते हैं यूनिक। और कई सारे लोग ये भी बताते हैं सिक्के के ऊपर कि इसके ऊपर आप देख सकते हैं 50 पैसे का कॉइन है, यहां पर आपको अंकों में 50 लिखे हुए दिख रहा होगा, इधर भारत और इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये चीजें सभी सिक्कों पर लिखी होती है, अगर इंडिया का कॉइन है तो उस पर हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा, 50 पैसे का कॉइन होगा तो उस पर 50 पैसे ही लिखा होगा। तो ये नॉर्मल चीजें बताने वाले लोग फ्रॉड होते हैं, उनसे आप सावधान रहें। बाकी रियल बायर से कैसे कॉन्टेक्ट करना है वो चीज मैं आपको आगे बता देता हूं। जो आज हम बायर लेके आए हैं उसकी पूरी डिटेल आपको देंगे, इनके फोन नंबर निकालने की भी पूरी जानकारी आपको बता देंगे, जिससे कि आप आराम से इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कभी भी अपने नोट और सिक्के आप बेचने के लिए इनको कॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ आप करेंसी भी देख लेना, क्योंकि दोस्तों जिन नोट और सिक्कों की इन्हें आवश्यकता है सिर्फ वही नोट और सिक्के ये खरीदेंगे। उसके अलावा अगर कोई रेयर करेंसी आपके पास में है और ये बायर नहीं खरीद रहे हैं तो उसके लिए आप करेंसी बायर्स पेज और रियल कॉइन कंपनी जो फेसबुक पेज है उस पर जाकर के बेच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये करेंसी देख लेते हैं। यहां पर आपको एक एक करके वो नोट और सिक्के दिखा रहे हैं जिन्हें आज ये बायर कलेक्ट करने वाले हैं। आप डायरेक्ट इन्हें फोन करके बेच सकते हैं, इनमें से चाहे एक भी नोट या फिर सिक्का आपके पास में हो तो आप कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट इनसे बात कर सकते हैं। सबसे पहला कॉइन है दोस्तों 25 पैसे का, जो 1959 में जारी किया गया था, और इसके ऊपर कोई भी मिंट मार्क नहीं है। आप ये कॉइन देख सकते हैं इसी डिजाइन वाला, अगर ये कॉइन आपके पास में है 25 पैसे का तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इसे बेच सकते हैं। दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा नॉर्मल कॉइन देखने में, लेकिन फिर भी वो रेयर है, और उसके बदले में आपको 1,70,000 रुपए कीमत मिलेगी, 5 रुपए का ये कॉइन है। और इस कॉइन के पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहां पर जो 1997 है इस ईयर में ये जारी किया गया था, और नीचे आपको मिंट मार्क भी दिख रहा होगा डॉट का, तो ये डॉट का मिंट मार्क होना चाहिए, तब इसके बदले में 1,70,000 रुपए आपको कीमत दी जाएगी। उसके अलावा दोस्तों 1 रुपए का गेहूं की बाली वाला कॉइन आपके पास में है, तो गेहूं की बाली वाले कॉइन बहुत सारे हैं, अलग अलग सन में जारी किए गए, लेकिन आपके पास में 1978 में जारी किया गया डॉट के मिंट मार्क वाला कॉइन है, तो उसे आप बेच करके 2,30,000 रुपए प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी की पोर्ट्रेट वाला अगर 2 रुपए का कॉइन आपके पास में है, जो 1997 में जारी किया गया है, और इसके ऊपर भी कोई सा भी मिंट मार्क नहीं है, और इस कॉइन के बदले में पूरे 2.5 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। श्री माता वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड वाला अगर आपके पास में 5 रुपए का कॉइन है तो उसे भी आप बेच सकते हैं, इसके बदले में 3 लाख रुपए आपको मिलेंगे, डॉट का मिंट मार्क होना चाहिए। वैसे तो श्री माता वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड वाले काफी सारे सिक्के जारी किए गए थे, लेकिन डॉट के मिंट मार्क वाला 5 रुपए का ये गोल्डन कलर वाला कॉइन होगा, तभी आप उसे बेचकर 3 लाख रुपए तक प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों लुईस ब्रेल वाला ये कॉइन अगर आपके पास में है 2 रुपए का, तो इस कॉइन के बदले में भी 2 लाख रुपए आपको कीमत मिलेगी। पीछे की तरफ आप अच्छे से देख सकते हैं, इस तरह की तस्वीर बनी हुई है, तो इस कॉइन को भी आप बेच सकते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उसके अलावा दोस्तों जो आपको तरीका बताया था फेसबुक पर बेचने का, वहां पर भी आप बेच सकते हैं। 2 रुपए का ये वाला कॉइन दोस्तों देखने में काफी ज्यादा नॉर्मल दिख रहा होगा, लेकिन अगर 2016 में जारी किया गया यही डॉट मिंट मार्क का कॉइन आपके पास में, इसे बेचकर आप 70,000 रुपए तक प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों कॉइन्स काफी सारे हैं उनकी बात करें तो, और यहां पर आप सभी कॉइन्स देख रहे हैं, जिसमें से एक विशेष तरह से आपको बताऊं तो ये गेंडे वाला कॉइन है, जो 1994 में जारी किया गया डॉट के मिंट मार्क वाला अगर 25 पैसे का कॉइन है, इसके बदले में आपको 2.5 लाख रुपए कीमत दी जाएगी। नोटों में बात करें तो ट्रैक्टर वाला नोट आपको पता ही है दोस्तों, जिसमें अगर गांधी जी की फोटो बनी हुई होगी तो सुब्बा राव गवर्नर जनरल के सिग्नेचर वाला नोट होना चाहिए, और अगर उसके ऊपर अशोक पिलर बना हुआ हो तो मल्होत्रा जी के सिग्नेचर होने चाहिए, या फिर विमल जालान के सिग्नेचर वाला आपके पास में नोट है गांधी जी की फोटो वाला, तो वो भी आप बेच सकते हैं।
ये तीनों जो गवर्नर के सिग्नेचर आपको दिखाए, इनमें सीरियल नंबर नॉर्मल होगी, तभी आप बेच करके 2 से 2.5 लाख रुपए एक नोट के बदले कमा सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा आपके पास में किसी भी गवर्नर जनरल के सिग्नेचर हो और उसमें सीरियल नंबर यूनिक हो, 786 की हो, फैंसी या सुपर फैंसी हो, तब उसके बदले में आपको अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों 20 रुपए का अगर आपके पास में चक्कर वाला नोट है जिसके ऊपर सी रंगराजन के सिग्नेचर किए हुए होंगे, तो उस नोट के बदले में आपको 2 लाख रुपए कीमत दी जाएगी। और दोस्तों ये जो नोट देख रहे हैं संसद भवन वाला 50 रुपए का, इस नोट के पीछे यहां पर विमल जालान के सिग्नेचर किए हुए, अगर सेम इसी तरह का नोट है और नॉर्मल सीरियल नंबर है, तब भी उसके बदले में आपको 1,30,000 रुपए कीमत मिल जाएगी। यहीं पर अगर कोई सुपर फैंसी, सेमी फैंसी या 786 की सीरियल है, यूनिक सीरियल नंबर मिल जाती है, तो उसके बदले में 3 से 3.5 लाख रुपए तक भी आपको मिल जाएंगी। दोस्तों और भी नोट काफी है, जैसे कि 10 रुपए का पिकॉक वाला नोट हो गया, और 10 रुपए का ही आपके पास में जहाज वाला नोट हो गया, या फिर 500 रुपए के नए वाले कोई से भी नोट हो गए जिनमें यूनिक सीरियल नंबर है, तो आप बेच सकते हैं। यूनिक सीरियल नंबर में दोस्तों आप ये देख सकते हैं 500 और 502, इस तरह से अगर सीरियल है तो वो सेमी फैंसी सीरियल कहलाती है, और साथ ही साथ अगर 786 की सीरियल में है तो भी आप बेच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 786 नोट के सीरियल के स्टार्टिंग में हो या फिर एंडिंग में हो, बीच में भी हो तभी आप बेच सकते हैं, और 70 से 80 हजार रुपए आपको इसके बदले में मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये तमाम नोट और सिक्के बेचने के लिए और रियल बायर से कांटेक्ट करने के लिए बिना फीस अपने नोट और सिक्के बेचने के लिए आपको करना क्या है, हमारा ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो के टाइटल पे क्लिक कीजिए, या टाइटल के आगे एक छोटा सा तीर का निशान आपको दिख रहा होगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों सबसे ऊपर आपको ब्लू कलर में 2 लिंक दिखाई दे रहे हैं, उनमें से आप किसी भी एक लिंक पर क्लिक करेंगे तो वीडियो का जो आप है डायरेक्ट न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों वेबसाइट पर जाते ही आपको भारत सरकार की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है पुराने नोट और सिक्कों की, उसे डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वहां से आप उस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद अपने फोन नंबर डाल के आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको 250 रुपए मिलेंगे गिफ्ट के तौर पर, जिन्हें आप हैंड टू हैंड अपने फोन पे, पेटीएम, गूगल पे बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। और उसके बाद आप जैसे ही अपने नोट और सिक्कों की फोटो या फिर वीडियो उस एप्लीकेशन पर अपलोड करेंगे तो रियल बायर खुद सामने से आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे और आपके नोट और के बारे में आपसे जानकारी लेंगे। दोस्तों यहां पर 656 जो इंडिया के ओरिजिनल रजिस्टर्ड बायर है वही मिलेंगे, कोई भी फ्रॉड बायर आपको नहीं मिलेगा, और कोई भी बायर ना तो आपके डॉक्यूमेंट मांगेगा और ना ही 1 रुपया भी आपसे रजिस्ट्रेशन शुल्क की डिमांड करेगा। तो थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले